एग्जाम का डर, कल होने वाली एग्जाम का डर, लोग क्या कहेंगे इस चीज का डर, क्या मैं उन 100 से 150 बच्चों में अपनी रैंक ला पाऊंगा इस चीज का डर। और यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये जो डर है आपके मन में, यही आपके हार का या अनसक्सेसफुल होने का कारण बन सकते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं सभी चीजों को एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। तो एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, ना उसके कोई लड़का था ना कोई उसके लड़की थी, अकेली रहा करती थी। अपना जीवन यापन करने के लिए वो बाजार से सुबह रुई लेके आती थी, उस रुई को काट कर वो रस्सी बनाती थी, डोरी बनाती थी, और उस डोरी को शाम को मार्केट में बेच के आ जाती थी और उससे अपना जीवन यापन करती रहती। कुछ लोग रोज उसको देखते थे और उनको उसके ऊपर दया आने लग गई। तो एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसके काम को थोड़ा आसान बना दें। तो उन्होंने क्या किया, एक महीने भर जितनी रुई उसके घर पे लाकर रख दी, और उसके बाद में जो जिसको ये रस्सी बेचने जाया करती थी या डोरी बेचने जाया करती थी उसको भी बोल दिया कि आप इसके घर से ही डोरी ले आया करो। यहाँ पे ये सब चीज़ें उसको आसान बनाने के लिए लोगों ने कर दी। लेकिन दूसरे दिन होता क्या है कि जो रस्सी लेने वाला जब सुबह जाता है या डोरी लेने वाला जब सुबह जाता है तो वो बुढ़िया रस्सी नहीं काट पाती या डोरी नहीं बना पाती है, और जो आदमी था जिसको रस्सी लेनी थी वो वापस से आ जाता है। दूसरे दिन जाता है, फिर से सेम वही चीज़ रिपीट होती है, उसने फिर डोरी नहीं बनाई। तीसरे दिन फिर से वो जाता है तो वो देखता है कि वो बुढ़िया बीमार हो गई, उससे फीवर आ गया। जब उस आदमी ने उस बुढ़िया से पूछा तो उस बुढ़िया ने ये जवाब दिया कि ये जो इतनी चीज़ें हैं या इतनी जो ये रुई है महीने भर की, इसको देख कर ही मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट चल रहा है कि क्या मैं ये रुई है इसकी रस्सी काट पाऊंगी इतनी रुई की। तो ये जो दिमाग में मेरे नेगेटिव थॉट चल रहा था, इस नेगेटिव थॉट के चलते हुए मैं कोई काम नहीं कर पा रही। यहाँ पे देखो, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, पहले से ज़्यादा रिसोर्सेज मिल गए, लेकिन दिमाग के अंदर जो थॉट घुस गई है नेगेटिव थॉट, वो नेगेटिव थॉट ही उसके रस्सी ना काटने का कारण बना है, ना कि कोई वहाँ पे रिसोर्स की लिमिटेशन। तो यहाँ पे आपके पास में भी सेम वही चीज़ है। आपने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छी पीजी के लिए मेहनत की है, बहुत अच्छी जेट के लिए मेहनत की है, इस बार तो इवन आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिला है, आपने मेहनत बहुत अच्छी की है, लेकिन कल का जो डर है, ये जो डर का भूत है आपके में अंदर, ये जो डर की नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फीड हो चुकी है। और ये जो डर है कहीं ना कहीं आपको सब कुछ आते हुए भी बहुत सी चीज़ें गलत करवा देगा और आपके हार का कारण बन सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। तू ये कर सकता है, तूने इसके लिए मेहनत की है पिछले 1 से 1.5 साल तक, तू ये सब कुछ कर सकता है, तू इस एग्जाम को फाइट कर सकता है। तू 100 से 150 की बात नहीं कर रहा हूँ, तू अंडर 30 रैंक लेके आएगा। ये सारा खेल है ये आपके पॉजिटिविटी का। आपने पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत अच्छी मेहनत की, अब आपका टाइम है उस मेहनत को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यूज करने का। और इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम में बैठते हो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये एग्जाम बहुत आसान भी नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हो, सब बस खेल आपके दिमाग का है। आपका दिमाग पॉजिटिव है तो आप सब कुछ कर पाओगे, अगर आपका दिमाग नेगेटिव है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब आपके पास में जो टाइम है वो टाइम केवल आपके पोटेंशियल का है। कल के जो एग्जाम में आप बैठने वाले हो वहां पे अपना 100% दो, उसके बाद कुछ मत सोचो कि रिजल्ट क्या होगा, बस अपना 100% दो और फिर देखो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से बचो। जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपके यहाँ पे, वो ये आती है कि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, उन आंसर में जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, उन ऑप्शन को छोड़ना है। जितने ज़्यादा ऑप्शन आप डिलीट कर सकते हो आपके पास में उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी क्वेश्चन के सही होने की। यहाँ पे बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से कि सर कितने क्वेश्चन करके आए, कितनी कट ऑफ जाएगी। देखो बेटा, एक कट ऑफ का जो सिस्टम होता है ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। अगर पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम जाएगी और पेपर सिंपल है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको 60 बता देता हूँ
आपका जो मेन टारगेट होगा वो अब पेपर से हटकर आपके टारगेट 60 पे पहुंच जाएगा। अगर पेपर सिंपल आ गया तो 60 से ज्यादा कट ऑफ चलेगी, उस सिचुएशन में फिर आपको लॉस है, और पेपर हार्ड आ गया और आपने 60 कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग में आपको। तो ये जो सारा खेल है पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या करना, आपको ये नहीं सोचना आपने क्वेश्चन कितने, आपको केवल सिंपल ये करना है कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो क्या राइट है, या जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं अगर राइट है तो वही क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से बचें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।